हेलो व्यूअर्स, घर की कला चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कच्चा पपीता, कच्चा आम और पुदीना किस तरह से प्रिजर्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करना तो बिल्कुल न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कच्चा पपीता, 2 कच्चा आम मीडियम साइज का है और पुदीने की पत्तियां। इसे हम अच्छी तरह धुल लेंगे और धुलने के बाद इसे हम छील लेंगे। और जिसे अगर छिलके के साथ छीलना हो तो वो बगैर छिले भी पीस सकता है। और इसके बाद हम आम लेंगे, आम को भी इसी तरह छीलेंगे। मैंने तो कच्चा पपीता छील लिया है, अगर आप नहीं छीलते हैं तो मत छीलें, बस क्वांटिटी डबल कर दें। इसका हम बीज साफ कर लेंगे और इसे भी काट लेंगे। पपीते को भी हम काट लेंगे। ये देखें, और ये पुदीने की पत्तियां हैं, इसे हमने वॉश कर लिया है। और अब हम इन्हें फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए हम पेस्ट बनाते हैं। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया और इसे बरी की तरह रखना है। जिस तरह बरी रखते हैं आप, उसी तरह इसे रखना है। और तीनों मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, पुदीना, कच्चा पपीता और कच्चा आम। तो अब हम इन्हें फ्रीज करेंगे 2 घंटे के लिए। आप इसे 1 महीने 1 महीने ज्यादा भी रख सकते हैं, उसके बाद आम की चटनी बनाएं या जो भी आपका मन करे वो बना सकते हैं। अगर आम पना बनाना चाहते हैं तो आप बॉईल करके भी रख सकते हैं। देखिए ये तैयार हो गया है कच्चा आम, तो इसे मैंने एक कंटेनर में रख लिया है। ये पपीता है, इसे भी एक कंटेनर में रख लिया है और इसे फ्रीजर में रख देंगे 2 घंटे के बाद। ये मैंने निकाला है और ये है पुदीना, और इन तीनों को मैंने निकाल लिया है और अब हम इसे फ्रीजर में रखेंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक